क्या हाल है आप सबके। मास्टर क्लास इन बायोलॉजी एक्सप्लेन सीरीज में आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारा टॉपिक है इस एक्सप्लेन्ड में। सो एक्सप्लेन्ड सीरीज में हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की एनसीईआरटी की। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा। आपको मैंने एक लैक ओपन का जो वीडियो दिया उसमें कमेंट सेक्शन में आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि सर एक बार डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनसीईआरटी की लाइन समझा दीजिए। सो मोटे तौर पर आप सबको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आइडिया है। हम चाहते ये हैं कि जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है जहाँ से पेपर बनना है वो आपके सामने क्लियर किया जाए। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं एनसीईआरटी के पेजेस को ओपन करूंगा स्क्रीन पर, उनको पढ़ के एड वर्बटिम कोशिश करूंगा कि आपको टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज जो एनसीईआरटी के हिसाब से क्या लिखा है वो समझाया जा सके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज एक्सप्लेन्ड एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। बहुत से बच्चे इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कंसेप्ट है उसमें कई बार बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए आज इसको आसान करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज जरूर समझ लीजिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए मैं एक शब्द इस्तेमाल करूंगा, यह शब्द है डीएनए प्रोफाइलिंग। सो मैं डीएनए प्रोफाइलिंग एक शब्द इस्तेमाल करूंगा। आज जो हमें पहला शब्द समझना है वो ये डीएनए प्रोफाइलिंग शब्द है। इसका मतलब क्या है? सो होता यह है कि किसी जने का जब आप प्रोफाइल बनाते हैं तो आप ये कहते हैं इसने ग्रेजुएशन कहाँ से करी, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करी, कौन कौन सी स्किल है, कहाँ कहाँ काम किया, आपने उसकी उस कैरेक्टरिस्टिक्स को एनोटेट किया और उसकी मदद से उसका एक प्रोफाइल बना लिया और उस प्रोफाइल को रख लिया फ्यूचर रेफरेंस के लिए ताकि बाद में उसको मिलाया जा सके। यही काम आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी कर रहे हैं। आप डीएनए का प्रोफाइल बना रहे हैं किसी इंडिविजुअल के डीएनए के कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम वीएनटीआर बाद में कहेंगे, उनका एक प्रोफाइल बनाया जाएगा कि किस तरह की वीएनटीआर जो है वो इस आदमी के डीएनए में प्रेजेंट है। आप डीएनए का एनालिसिस करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करके उस डीएनए का एक प्रोफाइल बनाएंगे और अल्टीमेटली आपका मकसद ये होगा कि इस प्रोफाइल की मदद से आप एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बना सकें। सो आप एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बना सकें, आप पक्के तौर पे ये पहचान सकें कि ये जो सैंपल है ये इसी जने का है कि नहीं है, रूल आउट करें या पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाए। ये बेसिक चीज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में की जाती है, पॉइंट नंबर वन जो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आपकी एनसीईआरटी में चलते हैं। आपकी एनसीईआरटी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपने ये कहा है, ये रहा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ह्यूमन जीनोम का जो सेलियंट फीचर है उसमें आपको पता है कि करीब 3 बिलियन बेस पेयर्स है। सो हमारे जीनोम में 3 बिलियन बेस पेयर है। तो जब आप बिलियन शब्द इस्तेमाल करते हैं तो 10^9 ये बात आप करते हैं। तो हमने ये कहा कि आपके जीनोम में इतना बेस पेयर है और 99.9% सब ह्यूमन बीइंग्स में आइडेंटिकल है। इसका मतलब 0.1% में ही डिफरेंस है, लेकिन इसका 0.1% भी मेरे को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो 0.1% के लिए तो मेरे पास जो फिगर आएगी वो 3×10^6 बेस पेयर आएगी। इतने में डिफरेंस है ह्यूमन बीइंग्स में, अदरवाइज बाकी जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। सो इतनी बात समझ में आ गई, ये नंबर भी मिलियन है। सो 3 मिलियन बेस पेयर हमने क्या कहा, डिफरेंट है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस इन 3 मिलियन बेस पेयर। अगर आप सारों को मिलाने लग जाएं तो ये 3 मिलियन बेस पेयर की बात हो रही है। इमीडिएटली आप देखिए कॉस्टिंग क्या होगी, टाइम कितना लगेगा। आपने केवल एक प्रोफाइल बनाना है, आपका मकसद केवल एक पॉजिटिव आइडेंटिटी का एस्टेब्लिश करना है। क्या कोई फास्टर और कम एक्सपेंसिव तरीका हो सकता है जिसमें कुछ पर्टिकुलर तरीकों को मिला करके एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बना सके? इसी चीज को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, ताकि हमें ये सारे मिलाने ना पड़े। सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक वे,
वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स. सो पैराग्राफ नंबर वन आप देखिए बड़े ध्यान से, अब आपको समझ में आ गया कि यहां एनसीईआरटी में क्या लिखा है. आगे चलते हैं. सो इसके आगे मैं आपको समझाता हूं आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है. देखिए बेटे, इस पैराग्राफ के ऊपर हम आ रहे हैं पैराग्राफ नंबर टू, एंड लेट अस गो बैक टू आवर स्लाइड. और देखिए, ये जो आपका डीएनए है, ये जो आपका डीएनए है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो इसमें आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस है. आप जानते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, और वो बेटे हमने क्या कहा, डीएनए है. इसमें बहुत जगह पर आपको रिपीटेटिव डीएनए मिलेगा. सो आपको रेपिटेटिव डीएनए देखने को मिलेगा. बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए, आपको रेपिटेटिव सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगी. सो लार्ज पार्ट ऑफ द डीएनए इज अ रिपीटेटिव डीएनए. देयर आर सम रिपीटेटिव सीक्वेंसेस. सो पहले इस बात को समझ लेते हैं, ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, लेट मी राइट अ हाइपोथेटिकल. मैं एक हाइपोथेटिकल सीक्वेंस लिखता हूं, ए टी जी सी ए टी. ये 10 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है. सो इसको बॉक्स में रख लेते हैं. मैं इस सीक्वेंस की बात कर रहा हूं कि ये जीनोम में बार बार रिपीट हो रही है. इस तरह की सीक्वेंस को आप रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं. फिर समझ लीजिए, ये एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है. ये सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रही है. इस तरह के डीएनए को आप रिपीटेटिव डीएनए कहेंगे. ये ह्यूमन जीनोम में एक काफी बड़ा पोर्शन रिपीटेटिव डीएनए का है. अब ये जो रिपीटेटिव डीएनए है, इसकी सीक्वेंस जो रिपीट हो सकती है, या तो इंटरस्पर्स्ड है, या तो इंटरस्पर्स्ड है, या टेंडम है. अब इसका मतलब समझिए. कहने का मतलब यह है कि ये सीक्वेंस जीनोम में मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, तो लेट अस से कि यही सीक्वेंस एक बार और आपको कहीं और दिखाई दे गई. सो किसी और जगह पर आपको दिखाई दिया कि यही रिपीट फिर पड़ी हुई है. सो नाउ दिस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एक जगह नहीं है, फैले हुए है. और फैले के लिए शब्द क्या होता है, इंटरस्पर्स. लेकिन कई जगह पर आप क्या देखेंगे कि ये इकट्ठे हैं, दे आर present one after the another, they are present along with each other, and this is the term which is called as tandem. So please try to understand, repeat jo hai wo interspersed bhi ho sakti hai. Ye jo repeat hai ye tandem hai, ye kai baar repeat ek hi jagah par dekhne ko milegi. Ise aapne kya kaha, tandem repeat. To ab hame jo shabd samajh mein aaya wo repetitive DNA samajh mein aaya, hame repetitive sequence samajh mein aayi, hame ye samajh mein aayi ki ye interspersed hai, hame ye bhi samajh mein aaya ki कुछ रिपीट्स जो हैं वो टेंडम है. अगर मैं आपकी एनसीईआरटी में जाऊं तो मैंने जो शब्द इस्तेमाल अभी आपको सिखाया है वो ये शब्द है, जिसे हमने क्या कहा, रिपीटेटिव डीएनए. और ये जो डीएनए सीक्वेंस है, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स. सो शब्द देखिए, स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए, ये रहा स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए, ये स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए है. इट इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, 5, 10 बार, 15 बार, 20 बार ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और एक साथ हो रहा है. ये बात आपको समझ में आ गई. एक और कंसेप्ट समझिए, यहां पर बहुत ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा. मैंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक सॉल्ट लिया, और वो सॉल्ट सीजियम क्लोराइड है. सीजियम क्लोराइड इसलिए लिया क्योंकि इसकी डेंसिटी जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी डेंसिटी के कंपैरेबल है. सो एक और क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, सीजियम क्लोराइड ही क्यों लिया. आपने देखा था मिसेलसन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट में भी एक डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया गया था, उसमें भी सीजियम क्लोराइड सॉल्ट का ही डेंसिटी ग्रेडियंट, वही डेंसिटी ग्रेडियंट हम यहां बनाएंगे. कैसे, अब देखिए मैं इसको सेंट्रीफ्यूज करूंगा, तो मेरे पास ये सॉल्यूशन है, इसको मैंने बहुत तेज स्पीड पर घुमाया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा. जब बहुत हाई स्पीड हो जाएगी तो ये जो सीजियम क्लोराइड है ये डिसोसिएट होगा. सो जो ये सीजियम क्लोराइड सॉल्ट है ये डिसोसिएट होगा, और क्योंकि जो सीजियम आयन है वो काफी भारी है बजाय क्लोराइड आयन के, तो होगा ये कि इस सेंट्रीफ्यूगल स्पीड पे तेज
स्पीड पर जो ट्यूब है उसके बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से सीजियम क्लोराइड आ जाएगा, तो सीजियम आ जाएगा, क्योंकि सीजियम क्लोराइड से क्या है, भारी है, तो जैसे ही आप इसको घुमाएंगे तो सीजियम एक जो ट्यूब है उसमें बाहर की तरफ, जो आप समझिए ग्लास है, उस तरफ आपको सीजियम दिखाई देगा और साथ ही साथ वो ऊपर की तरफ भी मूव करेगा। ये सेंट्रीफ्यूगेशन से हो रहा है। जब आप ग्रेविटी असिस्ट करेंगे तो यहां पर एक सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट बन जाएगा। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। आपने इस सॉल्ट का डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया और आपको यह समझ में आ गया कि इस डेंसिटी ग्रेडियंट में सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट क्यों बना। अगर आपने इसके साथ इंक्यूबेट या इनोक्यूलेट या साथ में रखा हुआ था एक डीएनए का सैंपल भी, तो डीएनए उस पार्ट पे पहुंचेगा जहां पर उस पार्ट के साथ में इस पर्टिकुलर सैंपल ऑफ डीएनए की डेंसिटी मैच करेगी। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो डीएनए मॉलिक्यूल जो आप साथ में सेंट्रीफ्यूगेशन में डाल रहे थे, वो उस जगह जा करके रुक जाएगा जहां पर उस पर्टिकुलर पार्ट का जो डेंसिटी है सीजियम क्लोराइड की, उस जगह पर, क्योंकि ग्रेडियंट बना हुआ है और ये जो डीएनए है वो ग्रेडियंट एक जैसा हो गया है। अब ये जो डीएनए है इनके सैंपल्स में मैंने ये कहा कि इनकी डेंसिटी थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से अलग होगी। सो तभी तो बेटे सेपरेट कर पाएंगे। सो क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि डीएनए की डेंसिटी थोड़ी थोड़ी अलग होगी, तभी आप उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पे अलग कर पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये डेंसिटी अलग क्यों होगी। ये डेंसिटी अलग होगी क्योंकि ये जो डीएनए है, जो डिफरेंट डीएनए है, इनका बेस कंपोजिशन एक दूसरे से अलग होगा। अगर मान लीजिए एटी ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, और अगर जीसी पेयर ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो ये जो बेस पेयर का जो कंपोजिशन है, इसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि होगा क्या कि यहां पर आप क्या देखेंगे बेटे कि जो डेंसिटी है वो डीएनए की थोड़ी सी एक दूसरे से अलग है। सो ये जो वेरिएशन है डीएनए में बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत हल्की हल्की वेरिएशन होगी, और इस ग्रेडियंट में अलग अलग डेंसिटी का जो डीएनए है वो अलग अलग जाकर के जगह जाकर के स्टे करेगा। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये पॉइंट नंबर टू हमें समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें हमने ये कहा कि जब आपने ये डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन किया और उसके बाद आपने एनालाइज किया, तो आपने देखा कि जो बल्क जीनोमिक डीएनए है उसकी एक पीक आती है, उसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक बेस कंपोजिशन है। तो जब आपने सेपरेट किया, उसको एनालाइज किया, आपने स्टेन किया, यूवी लाइट वगैरह यूज करी, आप देख रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं उसका एक अलग बल्क जीनोमिक डीएनए की अलग एक पीक आती है, और इसके साथ में कुछ छोटी पीक्स और आती हैं। ये जो पीक है, बड़े ध्यान से देखिए, तो आपने जब जिस टाइम पे आपने डीएनए के सैंपल को सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो आपने क्या देखा कि एक मेजर पीक आ गई, और ये जो मेजर पीक है, इसमें मैंने आपसे कहा ये बल्क जीनोमिक डीएनए है। क्योंकि इसका जो बेस कंपोजिशन है वो अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। ये थोड़ा सा एक और पार्ट आपको दिखाई दिया जो एक और पीक बना रहा है, ये एक और स्मॉलर पीक आपको दिखाई दे रही है। इस तरह की पीक कई हो सकती है, मैं केवल आपको एक ही पीक दिखा रहा हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सिंगल पीक नहीं होगी, कई पीक्स हो सकती है, लेकिन मैंने सिंगल पीक कहा। ये वो पीक है जिसमें आपका रिपीटेटिव डीएनए है, यहां पर ये रिपीटेटिव डीएनए है, और इस रिपीटेटिव डीएनए को क्योंकि ये अलग पीक बना रहा है, इसीलिए नाम दिया गया है सैटेलाइट। सो क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि ये शब्द सैटेलाइट डीएनए क्या चीज है। ये जो सैटेलाइट डीएनए है, ये वो रिपीटेटिव डीएनए है जो कि ये अलग पीक बना रहा है। इस पीक की वजह से बेटे इसको सैटेलाइट कहा गया। दिस इज सैटेलाइट डीएनए, ये सैटेलाइट क्रोमोसोम नहीं है, सैटेलाइट डीएनए है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अगर यहां पर आप देख रहे हैं, अगर ये डेंसिटी ग्रेडियंट है, तो यहां पर तय है कि इसका जो जीसी कंटेंट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि इस टाइम पर ये ग्रेडियंट आपको ये जो पर्टिकुलर ग्रेडियंट में हायर डेंसिटी में दिखाई दे रहा है। इस तरह की भी पीक आ सकती थी, ये मेजर जीनोमिक डीएनए और ये सैटेलाइट डीएनए, इसका मतलब यहां पर जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उम्मीद है ये सैटेलाइट डीएनए आपको इसका मतलब समझ में आया, और आपको ये समझ में आया कि यहां पर हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली जो बेस कंपोजिशन है, और उसकी वजह से हमने ये कहा कि यहां पर
यहाँ पर जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है और इस डेंसिटी की वजह से हमें अलग अलग क्या दिखाई दी, पीक्स दिखाई दी। ये जो सैटेलाइट डीएनए है ये आपको देखने को मिलेगा सेंट्रोमेरिक रीजन में, सेंट्रोमियर के आसपास और हिट्रोक्रोमैटिन। सो आप जानते हैं हिट्रोक्रोमैटिन, इस बात को याद रखिएगा, हिट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो आपकी एनसीईआरटी की एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है इट डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, ये हिट्रोक्रोमैटिक रीजन की बात बता रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है आपको सैटेलाइट डीएनए समझ में आ गया। एक और चीज समझिए बेटे, एक और चीज ये समझिए कि हम ये कहते हैं कि ये जो सैटेलाइट डीएनए है इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसकी लेंथ और साइज कितना है। सो डेंसिटी तो अलग है, लेकिन अब हम सैटेलाइट डीएनए को अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं ये देख करके कि लेंथ कितनी है। सो वो जो मैंने आपको रिपीट बताई थी वो कितनी बार रिपीट है, सो उस लेंथ के हिसाब से जो बहुत बड़े होते हैं उनको तो सैटेलाइट ही कहा जाता है, जो थोड़े छोटे होते हैं उन्हें मिनी सैटेलाइट कहा जाता है, और जो बहुत छोटे हैं उनको माइक्रो सैटेलाइट कहा जाता है, उनको माइक्रो सैटेलाइट कहा जाता है। सो अब हमें ये बात समझ में आ गई कि हम ये कह रहे सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिव डीएनए है, हमें पता है किस रीजन में, हमें पता है ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा, कोड नहीं कर रहा लेकिन डीएनए के स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो ये बात ध्यान से समझ लीजिए, ये किसी भी चीज के लिए कोड नहीं कर रहा, ये बात ठीक है, लेकिन ये वहां प्रेजेंट है, ये आपके डीएनए का पार्ट है। तो जिस टाइम डीएनए इनहेरिट होता है तब ये भी इनहेरिट होंगे। ये चीज बहुत जरूरी है समझनी, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये भी क्या होंगे बेटे, इनहेरिट होंगे। तो हमने कहा कि कुछ सैटेलाइट है, कुछ मिनी सैटेलाइट है, कुछ माइक्रो सैटेलाइट है, हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ये जो मिनी सैटेलाइट है इनको वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कहा जाता है। आइडियल सर्कमस्टांसिस में माइक्रो सैटेलाइट भी इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन लेट अस फॉलो दिस कन्वेंशन, इट इज फ्रीक्वेंटली डन सो कि जो ये मिनी सैटेलाइट है इनको VNTR कहा जाता है, और इस मिनी सैटेलाइट में पॉलीमॉर्फिज्म के बेस पर इनकी मॉर्फोलॉजी में डिफरेंस की वजह से जो वेरिएशन होगा उसकी वजह से मैं डीएनए प्रोफाइल बना करके डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कर पाऊंगा। ये है बेसिस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की, एक टेक्निक अभी हम देखेंगे जिसे हम कहते हैं RFLP। RFLP स्टैंड्स फॉर रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। सो हालांकि इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन आपकी एनसीईआरटी, आप क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज पर इस माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए आपको ये वाली जो टेक्निक है वो आपकी एनसीईआरटी में बताई गई है। एक और क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में, व्हाट इज़ द बेसिस, सो बेसिस ये VNTR है जिसे मिनी सैटेलाइट कहा जाता है और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म है। आपकी एनसीईआरटी पे वापस जाते हैं, इधर देखिए बड़े ध्यान से, आपकी एनसीईआरटी यहां पर क्या कह रही है, दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज डिफरेंट पीक्स। सो ये बात अब आपको लाइन समझ में आ गई, ये जो बल्क डीएनए है एक मेजर पीक बनाता है और बाकी जो छोटी पीक्स हैं उनको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि इसका मतलब क्या है, सैटेलाइट का मतलब क्या है। फिर आप ये देख रहे हैं बेस कंपोजिशन, लेंथ ऑफ सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स में इसको आप कई कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे आपने कहा माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, सैटेलाइट, और उसके बाद में आपने कहा कि ये जो मिनी सैटेलाइट है इसको VNTR कहा जाता है, और ये जो मिनी सैटेलाइट है इसमें पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का बेसिस है। आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। एक और बात समझिए, अगली पॉइंट यहां पर बताता हूं, उम्मीद है ये पॉइंट अब आपको बिल्कुल क्लियर होगा। एक और पॉइंट बताता हूं, देखिए बेटे मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपका एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसके ऊपर ये डीएनए है और इस डीएनए पर यहां पर एक मिनी सैटेलाइट है। सो यहां पर एक मिनी सैटेलाइट है, एक रिपीटेटिव डीएनए है जो कुछ बार रिपीट हो रहा है। सो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, वो कुछ बार क्या हो रहा है बेटे, रिपीट हो रहा है। अब देखिए यहां पर मान लीजिए, देखिए इसमें डिफरेंस क्या आता है, देखिए एक रिपीट है, लेट अस से ATGC, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, AT, ये 10 न्यूक्लियोटाइड है, इसकी रिपीट हम बना रहे हैं और हमने ये कहा
कि ये कम से कम 5 बार होगा तब आप इसको मिनी सैटेलाइट कहेंगे, 10 की कम से कम रिपीट होनी चाहिए ये तब आप इसको मिनी सैटेलाइट कहेंगे, इससे छोटा होगा तो उसे माइक्रो सैटेलाइट कहा जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक 10 न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रेच को लेट अस से 5 बार रिपीट कर रहा हूँ, ये नंबर 4 हो गया एंड लेट अस से ये नंबर 5 है, ATGC ATGC AT, ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। उस पर किसी जने में हमने ये कहा कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम है उसमें ये VNTR की 5 बार रिपीट है। अब वेरिएबल नंबर का मतलब समझिए, इसके पास एक और क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, एक मैटरनल एक पैटर्नल, इनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है, उसमें भी यहां पर DNA पर ये ही रिपीट होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के क्रोमोसोम नंबर पर 1 पर अगर इस तरह की रिपीट है तो हर एक ह्यूमन बीइंग के क्रोमोसोम नंबर 1 पर यही रिपीट होगी। लेकिन फर्क क्या हो सकता है? फर्क यह हो सकता है कि किसी में यह रिपीट 7 की हो। तो मैं बीच में सारी सीक्वेंस नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे रिपीट वही है ATGC ATGC, और यह रिपीट लेट अस से 1 2 3 4 5 6 7 की रिपीट है। अब आपको समझ में आया ये वेरिएबल नंबर और टेंडम रिपीट का मतलब क्या है? नंबर में वेरिएशन है, टेंडम का मतलब एक साथ है, एक में 5 की रिपीट है एक में 7 की रिपीट है। इसको बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 पर इस एक मैटरनल क्रोमोसोम पर 5 की रिपीट है और पैटर्नल क्रोमोसोम पर 5 की रिपीट है, तो मेरी बॉडी का कोई भी सेल ले लीजिए उसके क्रोमोसोम नंबर 1 पर यही पैटर्न देखने को मिलेगा, यही वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब कहने का यह है आप मेरा स्किन सेल लीजिए, उससे DNA का प्रोफाइल बनाइए, क्रोमोसोम नंबर 1 पर मेरे पास यही VNTR की सीक्वेंस होगी। और अगर आप मेरे WBC से DNA लेकर के DNA का प्रोफाइल बनाते हैं तो यही सीक्वेंस होगी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, नहीं तो मैं पॉजिटिव आइडेंटिटी बेटे बना नहीं सकता, नहीं तो मैं पॉजिटिव आइडेंटिटी बना नहीं सकता। ये बात बड़े ध्यान से समझ लीजिए, ये मैं पॉजिटिव आइडेंटिटी नहीं बना सकता बेटे, वजह बड़ी सिंपल है। अगर मान लीजिए आपने मेरा DNA का एक प्रोफाइल बनाया और से फॉर एग्जांपल आपने एपिथीलियम लिया और सीन ऑफ क्राइम पर मान लीजिए मैं ही कहीं से क्राइम करके भागा हूं, मेरा वहां WBC मिल गया, तो बेटे वो प्रोफाइल सेम होना चाहिए, तभी तो आप क्या करेंगे पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाएंगे कि ये इसी का। अगर मेरे ही सेल में अगर ये VNTR में अलग अलग होने लग गए तो आप पॉजिटिव आइडेंटिटी नहीं बना सकते। पॉइंट नंबर 1, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गई कि किस क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी एक और चीज समझिए, हो सकता है कि मेरे में मैटरनल क्रोमोसोम पर जैसे हमने कहा कि 5 की रिपीट है और पैटर्नल पे बेटे 7 की रिपीट है, तो कोई और जना है उसमें मैटरनल पे हो सकता है 5 की रिपीट हो, बराबर है ठीक है, लेकिन पैटर्नल क्रोमोसोम पर हो सकता है 8 की रिपीट हो। ये पॉलीमॉर्फिज्म देखने की कोशिश कीजिए। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी VNTR की जो सीक्वेंसेस है वो मेरे क्रोमोसोम पर हर एक सेल में सेम है, लेकिन मेरे और किसी और की जो VNTR है वो डिफरेंट होगी। अदरवाइज बेटे मैं यूनिकली एक आदमी को दूसरे से अलग कैसे करूंगा? एक तो मुझे पॉजिटिव आइडेंटिटी बनानी है, उसके लिए जरूरी है कि मेरे हर एक सेल में सेम वेरिएशन देखने को मिले। दूसरी चीज, मुझे अपने आप को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो बाकी सबसे अलग होना चाहिए। सो एक ही VNTR, जैसा आप यहां देख रहे हैं यहां पर मैटरनल 5 की सीक्वेंस है, यहां पर भी मैटरनल की 5 की सीक्वेंस है, किसी की एक VNTR मिल जाए वो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, और मैं आइडेंटिकल ट्विंस के अलावा की बात कर रहा हूं क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस में सारी चीज आइडेंटिकल होंगी, उनको छोड़ दीजिए, तो आप ये देखेंगे कि केवल एक VNTR मिल जाए इसकी प्रोबेबिलिटी 4 में 1 है, 4 लोगों में एक बार ऐसा हो जाएगा कि एक VNTR 2 लोगों में बिल्कुल आइडेंटिकल है। लेकिन अगर आप 4 VNTR ले लेंगे तो 250 लोगों में एक बार होगा ऐसा, 250 लोगों में, और अगर आप 20 VNTRs ले लेंगे तो एक बार होगा इन मिलियन मिलियन, जो कि अर्थ की पॉपुलेशन से ज्यादा है। कहने का मतलब यह हुआ कि जहां आपने 8 10 12 VNTR को मैच कर लिया आप पॉजिटिव आइडेंटिटी बना सकते हैं।
तीसरा पॉइंट और समझिए. सो देखिए दो पॉइंट हो गए. एक तो पॉइंट ये हो गया कि आपने मेरी पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाई और उसके लिए आपने कहा कि आपके सेल में सब में एक जैसा है. दूसरा आपने ये कहा कि बहुत सारा पॉलीमॉर्फिज्म है और लोगों में अलग अलग तरह की VNTR है, नंबर अलग अलग है. तीसरी चीज समझिए, ये इनहेरिट होते हैं बेटे, ये इनहेरिट होते हैं. तो ये भी तो अलील की तरह ही है, ये भी तो अलील है. जब आप जीन कहते हैं तो यहां पर कैपिटल टी मान लीजिए, यहां पर स्मॉल टी है, तो आप उसे अलील कहते हैं ना. तो ये भी तो VNTR अलील है. ये कुछ कोड कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, पर इनहेरिट तो हो रहे हैं. सो आपकी जो VNTR अलील्स हैं, या तो आपके फादर से आई है या आपकी मदर से आई है. सो आपने कुछ VNTR अपने पेरेंट्स से क्या किया, इनहेरिट किया है. ये तीसरा पॉइंट है जिसकी वजह से पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को सेटल किया जा सकता है. सो तीसरी एप्लीकेशन में मैंने क्या कहा, क्योंकि ये इनहेरिट हो रहा है इसलिए पैटर्निटी डिस्प्यूट्स में इसकी मदद ली जा सकती है. तीन अलग अलग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. पॉजिटिव आइडेंटिटी कैसे बनाई, सारे सेल में एक जैसा होना चाहिए, लोगों को अलग कैसे आइडेंटिफाई किया, बहुत ज्यादा पॉलीमॉर्फिक है, अगर कुछ ही VNTR मिल गई तो पॉजिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी, पॉलीमॉर्फिज्म है. तीसरी बात, पैटर्निटी कैसे डिस्प्यूट सेटल किया, क्योंकि इनहेरिट होती है. आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर. वापस जाता हूं आपकी NCERT में. सो NCERT देखते हैं क्या कह रही है. NCERT ये कह रही है, दीस शो अ हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग. क्योंकि DNA हर एक टिश्यू से, जैसे ब्लड, हेयर फॉलिकल, स्किन, बोन, सलाइवा, स्पर्म, एक इंडिविजुअल में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलेगी. तो ये आइडेंटिफिकेशन की बात, एक तो ये हो गया कि उसके हर एक सेल में सेम वेरिएशन देखने को मिलेगी. दूसरी चीज, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिट होती है पेरेंट्स से चिल्ड्रन के लिए, तो आप जो है पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को सेटल कर सकते हैं. दो अलग अलग एसर्शन रीजन क्वेश्चन है. मुझे उम्मीद है ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी. एक और चीज देखिए, फिर हमने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा क्या है बच्चे, पॉलीमॉर्फिज्म है, और बार बार हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि बिना पॉलीमॉर्फिज्म के तो आप पॉजिटिव आइडेंटिटी बना ही नहीं सकते, ये बेसिस है. तो चलिए इस पॉलीमॉर्फिज्म को समझते हैं, इसका मतलब क्या है. सो एक और अगली जो बात हमें समझनी है वो ये है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज है. इधर देखिए, मैंने ये कहा कि मान लीजिए एक जीन है, कोई एक जीन है, आप जानते हैं जीन है, उसकी कम से कम एटलीस्ट दो अलील्स हैं, एटलीस्ट टू अलील्स हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं. आप जानते हैं मल्टीपल एलिलिज्म वगैरह आपने पढ़ा हुआ है. एक जीन है उसकी कम से कम दो अलील्स हैं, और पॉपुलेशन में वो अलील जो लीस्ट फ्रीक्वेंट है, वो अलील जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी 1% है, स्टैट्स में इसे 0.01 कहेंगे, तो हम ये कहेंगे ये जीन पॉलीमॉर्फिक है, ये जीन पॉलीमॉर्फिक है. देखिए पॉलीमॉर्फिज्म डिफाइन कैसे करते हैं, जो सबसे कम फ्रीक्वेंट चीज है उसकी फ्रीक्वेंसी भी पॉपुलेशन में कम से कम 1% है, तब आप ये कहेंगे कि ये पॉलीमॉर्फिक है. इतनी बात समझिए. इसी तरह से मैंने कहा कि एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर के जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें अलग अलग ट्रेट्स हैं, एटलीस्ट टू ट्रेट्स हैं, दो ट्रेट्स हैं, और फिर हम ये कह रहे हैं जो लीस्ट फ्रीक्वेंट ट्रेट है उसकी भी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 0.01 है, तो हम ये कहेंगे कि ये कैरेक्टर पॉलीमॉर्फिक है. अब आप देखिए VNTR भी अलील्स की तरह होता है. सो इसका मतलब आप VNTR अलील्स में जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसको समझ लीजिए. अगर उसकी ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, उनकी ऑल्टरनेट फॉर्म्स हैं, और उसमें जो लीस्ट फ्रीक्वेंट है उसकी भी फ्रीक्वेंसी कम से कम 1% है, तो ये जो VNTR का लोकस है, पोजीशन है, ये पॉलीमॉर्फिक है. सो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब आपको समझ में आया कि पॉलीमॉर्फिज्म कहते किसे हैं. पहले इस चीज को यहां पर देख लेते हैं. सो पहले यहां पर एक देख लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है. सो देखिए बेटे, यहां पर हम आ रहे हैं, हमने ये कहा कि अगर हम DNA पॉलीमॉर्फिज्म ये कह रहे हैं, अगर एक वेरिएंट किसी एक लोकस पे ह्यूमन पॉपुलेशन में उसकी फ्रीक्वेंसी कम से कम 0.01 है, 1% है, तो वो पॉलीमॉर्फिक है. आई होप दिस पॉलीमॉर्फिज्म शब्द, ये जो शब्द है पॉलीमॉर्फिज्म, ये अब आपको बिल्कुल क्लियर है. चलिए अब अपने डिस्कशन को आगे करते हैं. इधर देखिए बेटे, मैंने ये कहा कि ये मेरा एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये DNA है, ये एक और क्रोमोसोम है, इसके ऊपर DNA है, ये जीन है, लेट अस से इस जीन पे ATGC लिखा है.
तो यहां पर भी यही जीन होनी चाहिए, इसको आप लिखेंगे ए टी जी सी होनी चाहिए, पर मान लीजिए म्यूटेशन हो गई और ये जी म्यूटेट होकर के इसकी जगह लेट अस से इसकी जगह बेटे एक और सी आ गया। सो अब आप देखिए कि ओरिजिनल क्या था बेटे ए टी जी सी, ये क्या था बेटे ए टी सी सी। सो ये उसी लोकस पे एक नया वेरिएंट बन गया, इसे अलील कहते हैं। सो अब आपको समझ में आ गया अल्टीमेट सोर्स ऑफ एलीलिक वेरिएशन इज म्यूटेशन। सो म्यूटेशन से नए नए वेरिएंट बनते हैं। सो म्यूटेशन हुआ और उससे नए नए वेरिएंट्स बन गए। मान लीजिए ये जीन कुछ बनाती है, इस जीन का एक्सप्रेशन एक प्रोटीन है और वो प्रोटीन कोई फीनोटाइप बनाता है। बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अब की बार हम ऐसी जीन की बात कर रहे हैं जो प्रोटीन में ट्रांसलेट होती है और ये प्रोटीन कोई फीनोटाइप बनाता है। सो कहने का मतलब है ये जीन हाइट की है, इसकी वजह से एक प्रोटीन बना और प्लांट टॉल बन गया, टॉल फीनोटाइप है। तो इसको नेचर सेलेक्ट करेगी। बड़े ध्यान से समझिए, इसको नेचर सेलेक्ट करेगी और अगर म्यूटेशन हुई और कुछ गड़बड़ हुई और बेटे फीनोटाइप ठीक नहीं बना तो बेटे नेचर उसको हटा देगी। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, नेचर फीनोटाइप पर एक्ट करती है बेटे। जब तक जीनोटाइप का फीनोटाइप नहीं बनेगा नेचर एक्ट नहीं करेगी। और अगर म्यूटेशन हुई ऐसी जीन में जो प्रोटीन बना रही है तो उसको कुछ बनेगा तो नेचर उसे या तो सेलेक्टेड फॉर करेगी या सेलेक्टेड अगेंस्ट करेगी। लेकिन जब हम VNTR की बात कर रहे हैं बेटे, सो अभी देखिए इसकी पॉलीमॉर्फिज्म क्यों ज्यादा है, VNTR की हम बात कर रहे हैं तो ये तो बेटे does not code for anything, ये तो कुछ चीज बनाते ही नहीं है बेटे, ये तो वहां पर प्रेजेंट है ATGC, ये बेटे एक VNTR है AT let us say, लेकिन ये कुछ बनाता नहीं। जब बनाता नहीं तो इसके ऊपर नेचर एक्ट क्यों करेगी। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए इसमें म्यूटेशन हो जाए, यहां पर जी आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा। So, क्योंकि ये एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा तो नेचर इस पर एक्ट नहीं कर रहा। सो यहां पर जो म्यूटेशन हो रही है VNTR के लोकस में, जो म्यूटेशन हो रही है उससे जो वेरिएबिलिटी आ रही है वो वेरिएबिलिटी फिक्स हो जाएगी पॉपुलेशन में, उससे उसे हटाएगा नहीं नेचर। इसकी वजह से कोई फिटनेस कम नहीं हो रही है, इसकी वजह से डेथ नहीं हो रही है, ये कोई इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है जो कुछ बना रहा है, इस पर नेचर एक्ट नहीं कर रही है, इसलिए ये वाली जो वेरिएशन है ये रह जाएगी। और क्योंकि ये इनहेरिट होता है तो रिप्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन का पार्ट बन जाएगी। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 1% या उससे ज्यादा हो गया तो इस VNTR का एक और वेरिएंट आ जाएगा। और ये जो वेरिएशन है ये नंबर में है, 5 की जगह 6 का वेरिएंट आ गया। यहां तो मैंने सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म की बात की है, शायद आपने पढ़ा होगा SNP के बारे में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पर नंबर ऑफ रिपीट्स अलग अलग हो सकती है और उसकी एक वजह होती है अनइक्वल स्लिपेज। तो दोनों तरफ तीन तीन की रिपीट है और मान लीजिए यहां से जिस टाइम रिकॉम्बिनेशन हुआ, ऐसे समझ लीजिए एक छोटी सी बात, यहां पर बेटे 3 की रिपीट है, यहां पर भी 3 की रिपीट है, जिस टाइम पर क्रॉसिंग ओवर हुई तो 2 यहां से यहां चली गई और 4 यहां से यहां आ गई। सो बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर तो 3 की ही रिपीट रह गई लेकिन यहां पर आप समझ लीजिए कि यहां पर बेटे नंबर ऑफ रिपीट्स ज्यादा हो जाएंगी। सो इस वजह से यह वेरिएबल नंबर होता है। नॉर्मली जीन के अंदर इक्वल टाइप की चीजें इधर से उधर जाती है, लेकिन अगर अनइक्वल हुआ, इस तरफ से 2 रिपीट्स इधर चली गई, इधर से 4 रिपीट्स इधर चली आई, तो आपको समझ में आ रहा है कि वेरिएबल नंबर आ जाएगा। ये VNTR में इतना वेरिएबल नंबर क्यों है और इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये कुछ बना नहीं रहा है और ये रिप्रोडक्शन से यहां का पार्ट बन जाएगा। मुझे उम्मीद है ये और बात समझिए। अब देखिए बेटे, ये कुछ कोड नहीं करता, इट डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, तो क्या इसकी कोई इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस है बेटे, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो है, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो है, और जैसा मैंने आपसे कहा ये क्या हो रहा है बेटे, इनहेरिट हो रहा है। और अगर इनहेरिट हो रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि मैं फाइलोजेनी ट्रेस कर सकता हूं। सो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक लीनिएज है और इस लीनिएज पर मैंने यहां पर अलग किया हुलक गिब्बन। सो यहां पर मैंने हुलक गिब्बन अलग किया, यहां पर मैंने ओरेंगुटैन अलग किया, आप समझ रहे होंगे कि मैं ग्रेट एप्स की बात कर रहा हूं, यहां मैंने गोरिल्ला अलग किया, यहां मैंने चिंपैंजी अलग किया और ये ह्यूमन बींग्स हैं।
सो मैं ये कह रहा हूं कि ह्यूमंस और चिंपैंजी एक दूसरे से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि इनका जो कॉमन एंसेस्टर है वो काफी रीसेंट है. ये कॉमन एंसेस्टर है ह्यूमन और चिंपैंजी का. ह्यूमन और गोरिल्ला भी एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन इनका कॉमन एंसेस्टर थोड़ा दूर है. इसे आप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं. इससे आपको इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस पता चलती है. सो ह्यूमन और चिंपैंजी भी एक दूसरे से रिलेटेड है, ज्यादा है, उनका डीएनए ज्यादा एक जैसा होगा, उनमें कम वेरिएशन होगा, तो वीएनटीआर की वेरिएशन से भी फाइलोजेनी ट्रेस की जा सकती है. ह्यूमन और गोरिल्ला भी बेटे काफी रिलेटेड होंगे लेकिन उनका कॉमन एंसेस्टर थोड़ा दूर है. इसका मतलब यह हुआ कि अब मैं अपनी एनसीईआरटी पर वापस आ सकता हूं. सो देखिए, मैंने आपकी एनसीईआरटी से आपको क्या पढ़ाया. हमने ये कहा, इन सिंपल टर्म्स, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन, शब्द ध्यान दीजिए, इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन इन हाई फ्रीक्वेंसी, इसे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर. और इसकी प्रोबेबिलिटी के नॉन कोडिंग डीएनए में ये हायर होगी क्योंकि म्यूटेशन इसमें कोई इमीडिएट इफेक्ट सर्वाइवल और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी पर नहीं डालता. ये म्यूटेशन इकट्ठी होती जाएंगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोपेगेट होती जाएंगी और पॉपुलेशन का पार्ट बन जाएंगी. और देखिए ये लाइन, फॉर इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड यू विल स्टडी दीज इन डिटेल्स इन हायर क्लासेस. मुझे उम्मीद है अब आप अपनी एनसीईआरटी की लाइंस का मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं. सो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई. अब देखिए यहां तक हमें ये बात समझ में आ गई. अब हम क्या कह रहे हैं कि इसकी टेक्निक क्या है. यहां पर अब एक हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट बच गया, चलिए यहां पर भी आ जाते हैं. हमने कहा कि ये जो वीएनटीआर है, अभी मैं इसको आपको पढ़ा चुका हूं इसलिए एक बार इसको और देख लेते हैं. मैंने आपसे कहा कि वीएनटीआर एक वो क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए है जिसे मिनी सैटेलाइट कहा जाता है. हमें ये बात समझ में आ गई. और हमने कहा कि इसमें टेंडम कॉपी नंबर्स हैं और ये बेटे कॉपी नंबर वेरी करता है क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम. मैंने आपको बताया क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4 अलग अलग रिपीट्स होंगी, दो इंडिविजुअल्स में अलग अलग रिपीट होंगी. और ये जो वीएनटीआर है इसका साइज याद रखिएगा, ये फैक्चुअल है, 0.1 to 20 किलो बेस पेयर है. और हमें पता लग गया ऑटो रेडियोग्राम में डिफरेंट साइजेस आएंगे, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह पता है. सो मैं अब आपको टेक्निक बता रहा हूं, आपको ये समझ में आ गया कि वीएनटीआर का मतलब क्या है. अब देखिए बड़े ध्यान से, इधर देखिए बेटे, इसकी टेक्निक ये है, इसकी टेक्निक ये है. तो यहां पर वापस चलते हैं, अब हम इसकी टेक्निक की बात करते हैं. सो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले आप आईसो, सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा बेटे, एक बात याद रखिएगा, आपने हंड्रेड्स ऑफ वीएनटीआर में से 8-10 ढूंढ के निकालनी है. आप कोई सोफिस्टिकेटेड काम नहीं कर रहे, बच्चों को समझाने में मुझे काफी टाइम लगता है. आपने केवल पॉजिटिव आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी है, आपने सारी चीजें नहीं ढूंढनी है, आपने 8-10 वीएनटीआर ढूंढ करके उनका प्रोफाइल बना करके मैच करना और पॉजिटिव आइडेंटिटी बनानी है. ये कौन सी वीएनटीआर होगी ये आपकी चॉइस है, क्योंकि आपको पता है जहां आपने 8-10 कर लिया वहां पर आपका काम हो गया. अपने दिमाग से बायस हटाइए कि मुझे सारा कुछ करना है. पहले ही मैंने आपको बताया कि ये बहुत शॉर्टकट है, क्विक वे है और लीस्ट एक्सपेंसिव वे है पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाने का, केवल फुल स्टॉप. इतना काम करना है, मुझे तो 8 मिलानी है, वो 8 मेरी पसंद की होंगी, मैं चाहूंगा उनको इस्तेमाल करूंगा. मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई. मैंने ऐसी वीएनटीआर ली बेटे जिनकी जिनके फ्लैंक्स में, सो ऐसे समझिए, मान लीजिए ये 5 की रिपीट है. सो 1, 2, 3, 4 और 5 की रिपीट है. देखिए बड़े ध्यान से, ये 5 की रिपीट है तो इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए. तो यहां पर भी बेटे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी. इसके फ्लैंक्स में बेटे आपको पता है ये तो डीएनए ही तो है और उसमें बीच में ये सीक्वेंस आ गई. लेट अस से कि एक जगह पर ये सीक्वेंस 7 की है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यहां पर भी बेटे क्या होगा, डीएनए होगा. ये बात आपको समझ में आ गया, इट्स अ पार्ट ऑफ डीएनए. तो मैंने इस तरह की चीज इस्तेमाल करी है, मैं वो वीएनटीआर चूज करूंगा जिसकी फ्लैंक में ये जो मैं ट्रायंगल्स बना रहा हूं ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट है. एक मिनट में आपको समझ में आएगा. तो जब मैं इस डीएनए को इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटूंगा
तो आप देखिए क्या होगा, यहां पर आप समझ सकते हैं, यहां पर जब मैं इसको यहां से कट करूंगा और यहां से कट करूंगा और इसमें बेटे यहां से और यहां से कट करूंगा, तो इन दोनों फ्रेगमेंट्स की लेंथ क्या होगी, एक दूसरे से अलग होगी और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी एक दूसरे से अलग अलग जगह पर जाकर के सेपरेट होगी। क्या यह बात बिल्कुल क्लियर है? डीएनए की सेगमेंट्स को एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में उनकी लेंथ साइज के बेस पर हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ बाय मेकिंग देम मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या यह बात आपको समझ में आ गई? और मैं इस रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट, अब आपको समझ में आ गया इसका मतलब क्या है, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से मैंने जो फ्रेगमेंट्स बनाई हैं इनका लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म को चेक कर रहा हूं कि लेंथ में कितने की रिपीट है और उसमें पॉलीमॉर्फिज्म है। इस टेक्निक को RFLP कहते हैं, जिसके स्टेप्स मैं आपको अब बताऊंगा। सो मुझे उम्मीद है आपको RFLP शब्द समझ में आ गया। मैंने बेटे वो VNTR सेलेक्ट करी जिसकी फ्लैंक में हमने ये कहा क्या है बेटे, शाबाश, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सीक्वेंस है और अब मैं RFLP टेक्निक करूंगा। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। अब देखिए इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं। तो स्टेप नंबर वन ये है कि आइसोलेट करिए डीएनए को इन प्योर फॉर्म। सो जिस डीएनए का आपने प्रोफाइल बनाना है उस डीएनए को प्योर फॉर्म में आइसोलेट कीजिए। मैं अननेसेसरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपने एवरी मैक्लॉड मैकार्टी एक्सपेरिमेंट पढ़ा, आपको पता है डीएनए को प्योर फॉर्म में कैसे आइसोलेट करते हैं। आपने ये भी पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में कि कौन से सेल से बेटे जब आप इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा एंजाइम इस्तेमाल करना पड़ेगा। खैर, मैं ये कह रहा हूं कि करीब 1000 सेल का डीएनए चाहिए तब जाकर के आप डीएनए प्रोफाइलिंग कर पाएंगे। अगर सैंपल इनएडिक्वेट है तो आप एक स्टेप और कर सकते हैं, इसको मैं 1A लिख रहा हूं, आप PCR यूज कर सकते हैं। सो लेकिन PCR हर बार जरूरत नहीं है, PCR तब जरूरत है जब आपके पास जो अवेलेबल डीएनए का जो सैंपल है वो कम है, तो आपने उस सैंपल को एम्पलीफाई कर लिया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। इसके बाद में आपने इसको मीडियम में रख के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया। सो अब आपने कट करना है इस डीएनए को, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने क्या किया है, डाइजेस्ट किया है, और तीसरी चीज आपने एगार जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया है। सो आपने एगार जेल में ये जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट है इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराया। आप जानते हैं कि साइज के हिसाब से जो बड़ी फ्रेगमेंट्स है वो पास रह जाएंगी, जो छोटी फ्रेगमेंट्स है वो दूर चली जाएंगी। आपको पता है किसी चीज को सीविंग इफेक्ट कहा जाता है, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको मूव करा और साइज के हिसाब से इनको एक दूसरे से सेपरेट कर लिया। दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। ये जितनी मर्जी फ्रेगमेंट्स हो बेटे, डजंट मैटर, आपको तो केवल अपना VNTR ढूंढ के निकालना है। सो यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दिस मे बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द फ्रेगमेंट्स, डू नॉट वरी। आपको पता है आप कौन सा VNTR ढूंढ रहे हैं, आपको पता है वो VNTR पर ATGC की रिपीट है, कई बारी वो कहीं भी हो आप उसे ढूंढ के निकाल लेंगे। आपका तो मकसद केवल उनको ढूंढना है, आप और कुछ नहीं कर रहे हैं, बाकी चीजों को आप नेग्लेक्ट करेंगे। जितनी मर्जी फ्रेगमेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो अपने काम की वो फ्रेगमेंट ढूंढ के निकालनी है जिसमें VNTR अलील अलग अलग लेंथ की वजह से अलग अलग पोजिशन पर पहुंचेंगी। मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक और बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। सो चौथे नंबर पे मैंने क्या किया बेटे कि ये जो डबल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स हैं इनको मुझे सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है। सो स्टेप नंबर फोर वुड बी कि मुझे इनको जो डबल स्ट्रैंडेड हैं इनको सिंगल स्ट्रैंड में करना है। आमतौर पे आप जानते हैं इसे डीनेचुरेशन कहते हैं डीएनए का, इसे हीट की मदद से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आप इसको एल्कली से ट्रीट करेंगे, और एल्कली से ट्रीट करने के बाद में ये जो आपका एगार जेल है इसमें जो ये फ्रेगमेंट्स हैं, आप जानते हैं डीएनए एसिड है, आपने पीएच चेंज करी, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया, इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि ये दोनों फ्रेगमेंट्स एक दूसरे से सेपरेट हो गई, अब ये सिंगल स्टैंडर्ड फ्रेगमेंट्स पड़ी हुई हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये स्टेप नंबर 4 है। अब आपने स्टेप नंबर 5 में क्या किया? सो आपने स्टेप नंबर 5 में ये किया कि आपने एक इस तरह का एपरेटस लिया, एक ग्लास का एक इस तरह का एपरेटस लिया, उसमें एक बफर सॉल्यूशन ले लिया और उसमें वो जो एगार जेल था उसको आपने प्लेस किया, और उसके ऊपर सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स थी डीएनए की जो सेपरेट हो चुकी हैं, ऐसे रख दिया। इसके ऊपर आपने एक शीट रखी, ये शीट नायलॉन की है या नाइट्रोसेलुलोज की है।
सो हमने कहा कि ये शीट है, इसके ऊपर आपने रख दिया ये नाइलॉन और लेट अस से नाइट्रोसेलुलोज की शीट है, तो मतलब आपने क्या किया कि ये आपका एगार जेल था, इसके ऊपर आपने एक शीट रख दी इस तरह से, इसको आपने रख दिया एक ट्रे के अंदर, ये आपने पहले एगार प्लेस किया, उसके ऊपर आपने नाइट्रोसेलुलोज की शीट रख दी या नाइलॉन की शीट रख दी, मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। इसके ऊपर आपने कुछ पेपर टॉवल्स रख दिए, सो पेपर टॉवल्स रख दिए और इसके ऊपर आपने एक वेट रख दिया, आपने एक वेट रख दिया, तो जैसे ही आप वेट रखेंगे तो वेट इसको प्रेस करेगा और आपका जो बफर सॉल्यूशन है वो इस तरह से राइज करना शुरू होगा और वो जाएगा थ्रू दी एगार जेल, एगार जेल में सीव होते हैं, उसके थ्रू बफर सॉल्यूशन जाएगा और वो बफर सॉल्यूशन पास होगा इस तरह से, वो पहुंचेगा इस पर्टिकुलर शीट में, इसके थ्रू जा करके वो एब्जॉर्ब हो जाएगा इस पेपर टॉवल से, इस तरह से ये फ्लूइड राइज करेगी। इस दौरान क्या हो सकता है कि वो इस वाली फ्रेगमेंट्स को देखते हैं, लेट अस सी इफ वी कैन एक्चुअली गेट दिस, ये वाली जो फ्रेगमेंट है बेटे इसको यहां से यहां ट्रांसफर कर देगा, नाउ दिस इज वेरी गुड, सो हमने ये कहा कि वो यहां से इस फ्रेगमेंट को यहां से यहां पर क्या कर देगा बेटे, यहां से यहां ट्रांसफर कर देगा। तो हुआ क्या है कि आपने इस मेथड की मदद से ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं इनको एगार जेल से निकाल के नाइट्रोसेलुलोज शीट पर पहुंचा दिया। इस स्टेप को सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, इसको आप सदर्न ब्लॉट कहते हैं, समझ लीजिए इसको, साइंटिस्ट का नाम था ई एम सदर्न और उनके नाम पर रखा है सदर्न ब्लॉट। सदर्न ब्लॉट में आपने डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज की शीट या मेम्ब्रेन पर पास किया है। अगर आप ये काम आरएनए के लिए करें तो उसे नॉर्दर्न ब्लॉट कहते हैं और आप जानते हैं अगर ये काम आप प्रोटीन के लिए करें तो उसे वेस्टर्न ब्लॉट कहते हैं। सो पहले हमें समझ में आ गया कि नॉर्दर्न ब्लॉट और वेस्टर्न ब्लॉट क्या है और साथ में हमें समझ में आ गया सदर्न ब्लॉट क्या है, और सदर्न ब्लॉट ये स्टेप है इस टेक्निक का जिसे मैंने कहा आरएफएलपी। इसके बाद आपने क्या किया, आपने अब इस शीट को उठाया, ये जो आपकी नाइट्रोसेलुलोज की शीट है इसको आपने उठाया, इसके ऊपर आपकी फ्रेगमेंट्स जो हैं बेटे वो ट्रांसफर हो गई हैं, इसको आपने कहा था सदर्न ब्लॉट और दिस वुड बी स्टेप नंबर 6। आपने इसको थोड़ा सा बेक कर लिया ताकि ये फिक्स हो जाए, यहाँ पर फिक्स हो जाए। अब आप सोचिए बेटे, हजारों फ्रेगमेंट होंगी, कुछ में आपकी VNTR पड़ी होगी, कुछ में आपकी VNTR पड़ी होगी और आपको मान लीजिए ये पता है कि वो VNTR ATGC AT इसकी रिपीट है, लेट अस से, तो आपने क्या किया कि एक VNTR प्रोब बनाया और VNTR प्रोब में आपने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सिंगल स्ट्रैंड बनाया। तो आपने क्या बनाया बेटे, देखिए बड़े ध्यान से, आपने एक कॉम्प्लीमेंट्री बनाया TACG TACG एंड TA। उम्मीद है आप समझ गए कि आपने एक प्रोब बनाया, सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट बनाई और इसमें से कुछ चीजों को, कुछ बेसिस को आपने रेडियो एक्टिवली टैग कर लिया। सो मान लीजिए ये रेडियो एक्टिवली टैग कर लिया, अब आपको पता है कि अगर आप इस प्रोब को यहां छोड़ देंगे तो जहां पर भी ये वाली VNTR होगी जाकर के हाइब्रिडाइज करेगा और आप ढूंढ के निकाल लेंगे, और जहां जाकर के ये हाइब्रिडाइज करेगा वहां उस डिस्टेंस से आपको पता चलेगा यहां पर कितने की रिपीट है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, मुझे बाकी किसी फ्रेगमेंट से कोई मतलब नहीं है और मैं एक ही VNTR प्रोब की दो कॉपीज एड करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि दो बेटे जगह पर ये VNTR मिलेगा यहां पर। क्या आपको बात समझ में आ गई, तो मैंने अब क्या किया कि यहां पर 7th में इसको एक मीडियम में रखा देखिए, इसको मैंने एक मीडियम में रखा और यहां पर मैंने इन प्रोब्स को पास कर दिया। सो मैंने इन प्रोब्स को पास कर दिया और इनको हाइब्रिडाइजेशन होने दिया। अब मान लीजिए मैंने ये कहा कि मेरा जो प्रोब है वो एक तो यहां जाकर के जुड़ा और एक बेटे यहां जाकर के जुड़ा, तो मुझे इमीडिएटली समझ में आ गया, चलिए थोड़ा और दूर जोड़ लेते हैं, यहां पर जाकर के जुड़ा, तो मुझे पता है कि मेरी एक जो VNTR है वो फ्रेगमेंट काफी छोटी है, एक VNTR वाली फ्रेगमेंट काफी बड़ी है, हो सकता है यहां 12-15 की रिपीट हो, ये साइज बड़ा है, और यहां पर केवल 4-5 की रिपीट हो। तो मैंने ये बना लिया कि क्रोमोसोम नंबर 1 पर
इसमें जो फ्रेगमेंट है उसमें एक में 1 2 3 4 5 की रिपीट है, एक बार कोड जैसा बन जाएगा 1 2 3 4 5, और एक और में 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 की रिपीट है। इस तरह से आपने एक बार कोड की तरह इसका डीएनए का प्रोफाइल बना लिया। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। और लास्ट में बेटे आपने इसको एक्सपोज करना है एक्सरे पर, और फिर ये चमकेगा इस तरह से। इसी कंडीशन को आप क्या कहते हैं? ऑटो रेडियोग्राफी। और इसकी मदद से आपने एक प्रोफाइल बना लिया और पॉजिटिव आइडेंटिटी बना दी। सो देखिए आपकी एनसीईआरटी में क्या क्या स्टेप्स दिए हुए हैं। सो अब हम देखते हैं कि आपकी एनसीईआरटी के स्टेप्स क्या क्या दिए हुए हैं। हमने कहा कि डीएनए को प्योर फॉर्म में आइसोलेट कीजिए, और मैंने ये कहा अगर ज़रूरत है तो पीसीआर का इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत नहीं है तो नहीं करेंगे। डाइजेशन कीजिए, सेपरेशन कीजिए इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ये रहा बेटे सदन ब्लॉटिंग। नाइट्रोसेलुलोस या नायलॉन पर आपने डीएनए फ्रेगमेंट को कर दिया बेटे ट्रांसफ़र, लेकिन उससे पहले डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर लीजिए एल्कली की मदद से। उसके बाद में वीएनटीआर प्रोब से हाइब्रिडाइजेशन कराइए, और उसके बाद में डिटेक्शन कीजिए ऑटो रेडियोग्राफी से, प्रोफाइल बना लीजिए, और इस तरह का एक बार कोड जैसा प्रोफाइल आपका बन जाएगा।